Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. Vikai की तरफ से भी भाई सलाम कर दो Vikai. Say hi. Say Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. काफी टाइम पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें अम्मी ने फिश बनाई थी, उन्हें देखा ही होगा. तो उस पे आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज अम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की, जब भी आप फिश फ्राई करें तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि इसकी रेसिपी. आज अम्मी को मैंने खुद देख लिया बनाते हुए और मैंने अम्मी से कह दिया अभी रुक जाइए, तो आपकी पहले वीडियो बनाऊंगा, आप इसकी थोड़ी सी रेसिपी बता दें ऑडियंस को, क्योंकि यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट. अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज जरूर इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अम्मी तक आप लोगों का मैसेज और पिक्चर कन्वे कर सकूं. चलिए भाई दादो की तरफ चलते हैं. दादो बनाने वाली हैं आज क्या? फिश. ये चलिए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी. तेरा हो खुश रहो. उनकी फरमाइश थी जो फिश की, जो आज फिश बना रही हूँ. ये फिश का नाम रोह, इसको रोह कहते हैं. ये उसमें उर्दू में और सिंधी में कहते हैं कुरड़ो. फिश के मुख्तलिफ नाम होते हैं ना, हर फिश का अलग अलग से नाम होता है. फिश फ्राई करूँगी आज. मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से. इसमें पहले मैं बगैर धोए सॉल्ट लगाऊंगी, नमक. तो ये इसके ये बीच में कटे हुए हैं, इसमें ये मैं ये पूरा इसको, क्योंकि इसमें ये फिर कुछ थिक हो जाती है, जैसे यानी कि सख्त हो जाती है ये ज़रा नमक लगाने से. ये फिर तलने में और ये फिर ज़्यादा वो नहीं होती, जैसे भुर जाती है. इसको एक घंटा तकरीबन ये लगा रहने देना है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करना है. लेकिन ये जो जो तलने वाली होती है उसके ये छिलके नहीं उतारे जाते. दिखाऊं? ये छिलके नहीं उतारते, लेकिन ये उतरवा के आ गए. लेने गए तो ये उतार के उतरवा के आया है लड़का. तो अभी ठीक है, बना लेंगे. लेकिन वो दूसरी फ्राई वाली जो है उसमें तो चल जाती है, लेकिन तलने में छिलके वाली चलती है. नीचे से छिलका वो हो जाता है, फिर ऊपर से खा लेते हैं. कैसे मिसाला बनाऊंगी आपको बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से इसका मिसाला बना जाता है. बस इसको आप ढक के रख देना है ऐसे करके. और बाकी और कुछ नहीं, जो मिसाला बनाऊंगी उसमें वो नमक नहीं डालना है. बगैर नमक के मिसाला मैंने इसका तैयार करना है. नमक इसमें है तो वो इसमें बिल्कुल चला जाएगा अंदर, बाकी सारा वॉश हो जाएगा. मैं तलने के लिए जो मिसाला तैयार करूंगी उसमें मैं नमक नहीं डालूंगी. फिर बताऊंगी जो किस तरीके का क्या डालता है मिसाले में. अभी कितनी देर के लिए रखती है आपने? एक घंटे के लिए. अच्छा, 1 घंटे के लिए. जी जी, एक घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर इसके जो पीसेस वगैरह, और पूरी की पूरी भी वो होती है, जैसे ये कि बड़ा बर्तन हो तो पूरी बीच में वो करके पूरी की पूरी, जैसे बाहर नहीं जाते होटलों वोटलों पे ऐसे पूरी फिश तली होती है. तो वो ऐसे करते हैं, बीच में ऐसे वो कट लगा के फिर ऐसे पूरी करके फिर उसमें पेश करते हैं. ये है इमली, अभी मैंने भिगो के रखी है इमली. निकालेंगे ये बिल्कुल पेस्ट, हाँ गुठलियाँ निकाल के अलग कर देनी है, फिर इसका पेस्ट बनाना है पूरा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट. ये देखेंगे ऐसे करके ना, तो फिर वो पेस्ट सा बन जाएगा. ये गुठले निकल जाएंगे, फिर इसी में मिसाले डालूंगा. स्पून से नहीं निकलती, इस्तेमाल करना पड़ता है हाथ. हाँ, इमली का पेस्ट बन गया है. ये देखें इमली का पेस्ट, ये देखें धनिया पाउडर 1 स्पून, टीस्पून ये इसमें डले. मिर्ची, लेकिन मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है, तो ये कुटी हुई मिर्ची मैं डाल रही हूँ इसमें. वो हसब मंशा, जितनी भी आप ज़्यादा मिर्ची इस्तेमाल करें या कम करें वो आप लोगों की मर्ज़ी. लेकिन मैं नमक नहीं डालूंगी इसमें, ऑलरेडी इसमें होए इसमें इसके अंदर आ गया होगा नमक. बस ये पूरा मिसाला तैयार हो गया है. इसमें गरम मसाला पाउडर भी डलता है. बस ये बन गया पेस्ट. अब हम फिश को वॉश करेंगे ऐसे हाफ करके. जितनी आप इसको फ्राई करना चाहो ऐसे पीस बनाने, जितनी जैसे आप पसंद करो ऐसे, मतलब बीच में ये कट लगे हुए ऐसे तलो, चाहे पूरा भी तल सकते. बस इसको जो मैंने तल ली है वो मैं इसको वॉश कर रही हूँ. बिल्कुल नमक निकाल देना. नमक जो नमक पहले मैरिनेट किया था, हाँ मैरिनेट किया था, वो बिल्कुल इसको निकाल देना है. इसके अंदर आ गया होगा नमक पूरा.
अब इसको हम फ्राई करेंगे। खुले ऑयल में ये फिश बनते हैं, कम ऑयल में नहीं सही बनते। इसको अच्छी तरह से गरम, तेज गरम होगी तो फिश अच्छी बनेगी, अगर तेज गरम नहीं होगी। हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे या मीडियम? मीडियम पे। अच्छा मीडियम पे। ज्यादा हाई पे फिर वो बर्तन खराब हो जाता है ना बेटा। नॉन स्टिक में इतना नहीं किया जाता, नहीं चिपकते। अच्छा। कोई भी चीज़ तलो तो नहीं चिपकते, नीचे नहीं लगते। अब इसको कहाँ से डालना है, ज्यादातर हम पहले ये वाला हिस्सा डालते हैं। कौन सा हिस्सा डालते हैं? ये वाला। अच्छा। पहले ये वाला डालेगा, उसके बाद पीछे वाला, क्योंकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, तकरीबन जब देखो तो जिस कलर उसका अच्छा आ गया, फिर निकालो। लेकिन ये फ्राई है उसको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। जरा थोड़ी आँच थोड़ी ज्यादा चाहिए उसमें फिश डालने के बाद, तो ये पूरी अच्छी तरह से देखोगे लेमन हो तो लेमन को भी ऊपर से इसके फिश के ऊपर डाल सकते हैं, बहुत मजे की और जबरदस्त टेस्ट। फ्राई करते हुए? नहीं नहीं नहीं, नहीं करनी भूल के भी, के भूल जाओ के भी हमने फिश में नमक लगाया हुआ है, और मसाला बनाते वक्त मसाले में नमक डाल दो, नहीं तो पूरी की पूरी फिश खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा, कोई खा भी नहीं सकेगा। ये आप उनको भी भूल जाओगे, ये जो जाते हैं होटलों में फिश खाने। हाँ, फिश पॉइंट नहीं हैदराबाद में, लोग कराची से आते हैं खाने, जाते हैं खाने के लिए। आप उन्हें चैलेंज कर रही हैं? बिल्कुल चैलेंज है। और ऐसे जबरदस्त ये फिश बनेगी ना, बेहतरीन, खा के पता चलेगा कि कैसी है। ये मुझे है ऐसे नहीं काटना चाहिए। अच्छा। और ये बीच में ऐसे करके। अच्छा, बीच से क्यों? क्यों? इसलिए कि इसका रस जो है ना वो सही निकलेगा। अच्छा। हाँ ये देखें, हाँ इसमें भी डालना है ये, ये इसलिए कि ये इसके बीज जो है ऊपर आ जाए और रस नीचे चला जाए। इस तरीके इस मसाले में भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा आप चटपटा करना चाहो वो, तो फिर फिश के ऊपर भी डाल सकते हैं। अच्छा, वो हमारे पास गर्म मसाला भी नहीं था, तो मैंने ये ब्लैक पेपर, हाँ ब्लैक पेपर ये थोड़ा ये ऐड कर दिया। अभी ये जो है अब इसको यहाँ ये यहाँ यहाँ ये सारा मसाला लगा देना है, ये पूरे इसके अंदर जो कटे हुए कट हैं इसके अंदर चला जाए मसाला, बहुत ज़बरदस्त लगेगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। और अच्छा, इसकी चटनी भी बनती है जो इसके साथ खाई जाती है, वो जो फिश पॉइंट वाले भी बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अभी इमली में वो भी बनती है। इसके अब क्या करना है, इसके ऊपर गरम गरम ऑयल डालना है। ये इतना नहीं डालना क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ पहले, पहले मैं मसाले में भी डाल चुकी हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा। साथ रख देते हैं, वो उनकी अपनी पसंद है, जो खाएगा वो खुद डालेगा। थैंक यू सो मच अम्मी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे पहले, एक बार जो मैंने रखी थी ना फिश जो आपने बनाई थी बकाई से, ब्लॉग में पूछ रहे थे कि इसकी रेसिपी क्या है, अपनी अम्मी से कहिएगा कि तो कि जब भी बनाए तो बताइएगा। तभी मैंने आपसे कहा था जब भी बनाए आप मुझे बुला लीजिएगा, तो मैंने आपकी वीडियो बनानी है, तो थैंक यू सो मच।
आप खाइएगा फिर बताइएगा कि कैसी लगी है। और अभी मैं आपको चटनी भी बनाती हूँ इसकी साथ खाने के लिए, वो है। मैं वो भी आपको बताती हूँ जो किस तरीके से बनती है। ठीक है, इसको बारीक बारीक काट दें। ठीक है, ऐसे ये इडली का पानी है और इसमें ये डाल दो प्याज, एक मसाला बच गया, ये मसाला मिर्ची वो जो है गर्म मसाला ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई है। फिर ये डालकर इसमें जब बाकी मसाला बच गया फिर ये चटनी तैयार हो जाती है। इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, नमक डालो डालो नहीं डालो ज़्यादा आ जाएगा। ये चटनी साथ वो भी खा लो और साथ साथ ये भी ऐसे स्पून के साथ ये भी साथ खाते हैं। फ्राई फिश के साथ है, बारीक बारीक कैंची से काट के थोड़ी डाल देनी है, अच्छा टेस्ट आ जाएगा चटनी में। बारीक वाली जो मिर्ची है ये बहुत तेज़ होती है, अगर ज़्यादा कोई मिर्ची खाने कम खाने वाले नहीं खा सकेंगे। अब बनाइएगा और फिर बताना कि कैसा टेस्ट लगा है इसका। अगर इडली ना हो तो अनारदाने की भी बन सकती है, अनारदाना भी का टेस्ट भी बन के इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो पसंद है आपके हाथ की फिश? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, कब से शुरू से? और फिश वैसे ही उनको पसंद है, चाहे मिसाले वाली हो जफरी। अब्बू अम्मी ने फिश बनाई है, कैसी लगी आपको? माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, बहुत टेस्टी है। इसमें ये जो इमली और मिसाले और नींबू बहुत टेस्टी है। अम्मी ने बनाई इसलिए टेस्टी है आपको वैसे ही लग रही है? नहीं नहीं, बनी भी टेस्टी है और ये बनाती टेस्टी है। और फिश अच्छी थी? नहीं, फिश भी अच्छी थी, लेकिन आपकी अम्मी जो है ना फिश बहुत अच्छी अलग दर्जे की बनाती है। अम्मी खुश हो रही है आपको? हाँ, बहुत खुश। बिरयानी भी बनाई है ना बहू ने? अच्छा, बिरयानी सना ने बनाई है।